हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे यूपीआई सेटअप कैसे कर सकते हैं मोबाइल से, अपना मोबाइल फ़ोन से ही। फ़ोन पे जो होता है ये भी यूपीआई वाला सिस्टम वाला ऐप है, इससे भी मोबाइल रिचार्ज, पैसा ट्रांसफ़र। और ख़ास बात यह है इसका, इसमें कैशबैक भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आज की इस वीडियो पर बताऊँगा कि इसका अकाउंट और यूपीआई सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये यूपीआई सेटअप करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसी बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड और उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर होना चाहिए आपके पास, और वो नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप लोग यूपीआई इसका क्रिएट कर सकते हैं। अगर है तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं अकाउंट बनाने के लिए इसका। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इधर आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो अभी देख रहे हैं आप, उसी वीडियो का टाइटल जो है, टाइटल तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। जैसे कि यह देखिए, इधर लिखा है बीओबी मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, इसी पर क्लिक कीजिए एक बार। उसके बाद ये देखिए ऐप डाउनलोड लिंक आ रहा है, ये देखिए ऐप डाउनलोड लिंक, ये जो है ऐप डाउनलोड लिंक, इसी पर क्लिक कीजिए। ये जो फ़ोन पे का जो ऐप है ये डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग उसको ओपन कीजिए। तो और आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और प्यारा सा कोई भी एक कमेंट कर दीजिए, नाइस ऑसम कुछ भी। तो चलिए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ोन पे को इसी लिंक से डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, वीडियो पर वीडियो का टाइटल के नीचे जो है लिंक, इस पर क्लिक करके फ़ोन पे को डाउनलोड करके ओपन कीजिए। और हमारे लिंक से अगर डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोग को 50 रुपये तक मिल सकता है। अगर प्ले स्टोर से करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, 50 रुपये 25 रुपये कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा लिंक से करोगे तो पैसा आप लोग को मिल सकता है, इसीलिए आप लोग मेरा लिंक से ही डाउनलोड कीजिए। तो चलिए डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। फर्स्ट में आपको मांगेगा मोबाइल नंबर जो बैंक पे आपका दिया हुआ है, तो चलिए डाल देता हूँ नंबर अपना। तो ये देखिए डाल चुका हूँ। उसके बाद इधर प्रोसेड वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिए आप लोग, और अलाउ मांग रहा है, अलाउ कीजिए। उसके बाद वही वाला नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप लोग को ब्लर दिखेगा नंबर, या ओटीपी होके लोडिंग योर फोन पे अकाउंट, इसको फिर से अलाउ कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपका, समझो ये वाला अकाउंट बन चुका है, यूपीआई अभी नहीं बना है, अकाउंट बन चुका है, ठीक है। तो ये देखिए अकाउंट बन चुका है, फर्स्ट में ही आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट, इस पर करके आप लोग अकाउंट, मतलब कि आप लोग अपना अकाउंट चढ़ा सकते हैं। तो चलिए चढ़ा लेते हैं हम अपना अकाउंट। तो इस पर क्लिक मत कीजिए, फर्स्ट बार जो आ रहा है, आप लोग क्या कीजिए, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इधर जो है, इधर जो है मोबाइल मनी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए आप लोग। क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस टाइप से आएगा बन के। उसके बाद ये देखिए बैंक अकाउंट यानी कि यूपीआई का जो ऑप्शन है, ये देखिए ये वाला जो है यूपीआई का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इधर से ही बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट जो है लिंक कीजिए इधर फोन पे में। तो चलिए इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए, ये वाला जो आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। और आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए आप लोग। अगर नहीं मिल रहा है तो इधर सर्च कीजिए जो भी बैंक अकाउंट है आपका। तो चलिए मेरा ऊपर में ही है बड़ौदा वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और आपका सिम सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा सिम दिया हुआ है, जियो का, एयरटेल का, आपका जो भी बैंक में दिया होगा वो वाला आप लोग देखकर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा 1 नंबर का ही है, तो मैं इसको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू का ये जो बटन है इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए सेंडिंग यानी कि मैसेज जा रहा है, वेरीफाई हो चुका है मोबाइल नंबर। मैं कहा था कि इसमें रिचार्ज होना चाहिए, रिचार्ज होगा तभी होगा। देखिए कुछ इस टाइप से यूपीआई क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो होने के बाद ये प्रोसेड टू ऐड पर क्लिक कीजिए, ये वाला पर। तो चलिए इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए ये यूपीआई सक्सेस हो चुका है।
और मैं तो पहले से ही ये सब चलाता हूँ, फ़ोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे, इसीलिए मेरा जो एटीएम कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट है और वो सब नहीं मंगा मेरे पास। अगर आपका मांगता है तो आप लोग देकर कर सकते हैं, मैं भी अभी कर सकता हूँ इधर रिसेट करके, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बन चुका है इधर। क्या है देखिए, मेरा कुछ इस टाइप से है तो रिसेट मांग रहा है मेरा, आपका फर्स्ट बार में ही इधर ऐसा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इधर आपका जो एटीएम कार्ड है, इधर 6 डिजिट डालिए और MMYY जो मंथ और ईयर रहता है वो डाल के आप लोग प्रोसेस कीजिए, आपका अकाउंट कुछ इस टाइप से एडेड हो जाएगा। हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से डन कीजिए आप लोग। तो ये देखिए, ये ऐड हो चुका है। तो इस इधर से आप लोग बाहर जाइए, उसके बाद होम पेज पर आइए। ये जो होम पेज का आइकन है, अभी तो माई मनी में है, होम पेज पर आइए। उसके बाद इधर चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए चेक करने के लिए अच्छी तरीके से ऐड हुआ है कि नहीं। तो चलिए बैंक पर क्लिक कीजिए अपना, और ये लोडिंग ले रहा है। और आप जो UPI पिन बनाए थे वही मंथ और ईयर डाल के, वो उधर पिन होता है 4 डिजिट का, आपका 6 डिजिट का भी हो सकता है, वही वाला पिन इधर डालिए। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। ये देखिए देखिए मेरा बैलेंस दिखा दिया इधर कि आपका बैलेंस इतना है, यानी कि ये सक्सेस हो चुका है बैलेंस इसका, मतलब कि दिखा दिया। तो ये मतलब कि अच्छे से बन चुका है इसका अकाउंट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, और मेरे लिंक से ही कीजिएगा आप लोग डाउनलोड, तो आप लोग को कैशबैक मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, छोटा ही वीडियो था। कुछ इस टाइप से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका जो इधर देखिए माई UPI ID ये वाला जो नंबर है आपका, अब ये UPI ID बन चुका है। ये वाला UPI ID किसी को भी दीजिए, आप लोग को वो पैसा दे सकता है भेज के। यही वाला जो ID है, इसी वाला जो है, ये वाला आप किसी को भी दीजिए, ये पैसा दे सकता है, या फिर आप लोग स्कैन करवा के भी किसी से पैसा ले सकते हैं। यह डाउनलोड का ऑप्शन है, ये इधर से शेयर भी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के पास कि मेरा यही वाला फ़ोनपे का ये है QR कोड है, आप स्कैन करके मेरे को पैसे दे सकते हैं कुछ इस टाइप से, या फिर डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको व्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यह देखिए डाउनलोड हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है। ये वाला मैं किसी दूसरे फ़ोन में अगर स्कैन करूँगा तो इधर मेरा नंबर और मेरा नाम वाम आ जाएगा इधर कुछ इस टाइप से, और आप लोग उससे पैसा ले सकते हैं। इधर बहुत सारा फैसिलिटी है, अगली वीडियो पर मैं बताऊंगा ये सब के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो में मैं यही बताया कि इसका UPI अकाउंट और फ़ोनपे का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी अपना मोबाइल से ही। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो मन में तो कमेंट कीजिए। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं आज का।